जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध ने अब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। राज्यपाल एनएन वोहरा ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी है। इससे पहले कल उमर अब्दुल्ला ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर हटने का फैसला लिया था। प्रदेश में नई सरकार का गठन 19 जनवरी से पहले किया जाना जरूरी है, जब मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लेकिन खंडित जनादेश के चलते अब तक नई सरकार का गठन नहीं हो सका है। उमर ने 24 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया था और उनसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम देखने को कहा गया था। इसके बारे में और जानकारी लेते हैं जम्मू से हमारे संवाददाता आशीष कोहली से। आशीष, आखिरकार राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर ही दी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से राजनीति में अटकलें शुरू हो गई थी कि किसकी सरकार बनेगी। बट उसके बाद से ही चीफ मिनिस्टर को एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रखा गया था, क्योंकि गवर्नर एनएन वोरा ने उनका इस्तीफा मंजूर कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि तब तक सरकार नहीं बनती आपको एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का रहना पड़ेगा। लेकिन कल एकदम से चीफ मिनिस्टर ने यू टर्न लिया है और एज ए चीफ मिनिस्टर एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी पदभार संभालने से इनकार कर दिया, जिसके कारण गवर्नर एनएन वोरा को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को एक रिकमेंडेशन देनी पड़ी है, जिसके अंदर गवर्नर रूल लगाने के लिए बात की गई है। अभी ये साबित है, अभी तक ये पूरा निर्णय नहीं लिया गया कि कब से गवर्नर रूल लगेगा। आशीष, आखिर भाजपा और पीडीपी की बात क्यों नहीं बन पा रही है, क्या बता सकते हैं आप इसके बारे में? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा और पीडीपी की बात कहीं हद तक रुकी हुई है, कुछ रुकावटें नजर आ रही है, क्योंकि अगर पीडीपी भाजपा के साथ जाती है तो पीडीपी के कुछ एमएलए हैं जिनको जिन्होंने इसके ऊपर चुप्पी साधे रखी हुई है कि हम लोग भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारा अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, जिनसे हमने वोट लिए हैं भाजपा के अंगेंस्ट बात करके, तो अगर हम उनके साथ जाते हैं तो हमारे लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे, जिससे कई हद तक भाजपा और पीडीपी की जो बातचीत है वो रुकी हुई है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एक और कारण ये है कि जो भाजपा का ये कहना था कि तीन तीन साल का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, जिसके लिए पीडीपी ने साफ इनकार कर दिया कि वो 3 साल का चीफ मिनिस्टर भाजपा को नहीं देंगे, वो चाहते हैं कि 6 साल का पूरा टर्म ही पीडीपी का चीफ मिनिस्टर है। आशीष, क्या भाजपा के लिए पीडीपी ही एकमात्र बेस्ट ऑप्शन थी? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा के लिए सिर्फ पीडीपी ही नहीं थी, भाजपा के साथ अगर पीडीपी का नहीं गठबंधन होता तो दूसरा समीकरण उनके पास एनसी भी था, अगर एनसी उनके साथ मिल जाती और कुछ जो अन्य उम्मीदवार उनके साथ मिलते थे वो भी सरकार बना सकते थे, लेकिन जबकि पहला मैंडेट जो है पीडीपी को दिया गया है तो पीडीपी का ही सबसे पहला जो ऑप्शन है जो भाजपा के पास है, क्योंकि पीडीपी के पास ही 28 सीटें हैं और भाजपा दूसरी ऐसी पार्टी है जिसके पास 25 सीटें हैं, तो पहला जो मैंडेट है वो पीडीपी को मिला हुआ, उसके बाद ही भाजपा के पास है। जानकारी के लिए धन्यवाद आशीष। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।